अब यहाँ पर एक वॉशर लगेगा, इसमें डॉट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, ये देखिए इसमें 2 बोल्ट लगते हैं, तो छोटा वाला यहाँ पर लगेगा, बाकी क्लच रोटर का है। इसका प्रॉपर नट कसा गया है, अब 4 स्प्रिंग लगेंगे, इसका कोई डायरेक्शनल नहीं होता, ये लग गया। अब क्लच होल्डर प्लेट लगेगा और इसके साथ साथ 4 10 mm के बोल्ट। अच्छे से बोल्ट को टाइट कर लिया हूँ, अब उसके बाद इसमें क्लच बाउल लगेगा और 2 8 mm के बोल्ट लगेंगे। तो चलिए लगा के दिखा रहे हैं। अच्छे से लगा लिया और 8 mm का बोल्ट अच्छे से टाइट कर लिए हैं, अब आगे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका क्लच रोटर लगेगा, यहाँ पर क्लच रोटर इसका फिट हो गया। इसमें ये डॉट दिख रहा है, ऊपर वॉशर रहेगा, डॉट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, वॉशर लग गया। उसके बाद स्पेशल बोल्ट कसाएगा। अब यहाँ पर क्लच रोटर का बोल्ट अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद इसका कैप लगेगा और इसमें कैप में जो पैकिंग लगता है उसको चेक कर लें, अच्छे से कटा उटा तो नहीं है, और आयल सील लगता है ये भी चेक कर लें, नहीं क्रैंक में आयल नहीं जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। कंडीशन में इसका सही है, आयल सील। बाद इसमें 4 स्क्रू लगेंगे, तो लगा के दिखा रहे हैं। कसा गया है, इसके 4 स्क्रू कसा गया है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसके क्लच प्लेट पर आयल डाल